नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का ये जो अध्याय 11 है, इसमें हम सामान्यतः कानून, नियम, विनिमय और विवेक पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि नीति शास्त्र में ये हमें मार्गदर्शन कैसे प्रदान करते हैं। इनके अलावा दो अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। पहला है उसमें से उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या होता है, आप क्या परिभाषित कर सकते हैं क्या? उत्तरदायित्व के अलावा हमारा दूसरा जो विषय है चर्चा का, वो रहेगा नैतिक शासन। नैतिक शासन पर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और बात होती है, एक होता है सरकार और एक होता है शासन, तो इन दोनों में क्या अंतर है और किस हिसाब से आप इनको परिभाषित कर सकते हैं? एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और उत्तरदायित्व का परिभाषा और नैतिक शासन का परिभाषा और साथ ही साथ सरकार और शासन में क्या अंतर है, एक बार जरा अपने मन में इनके प्रति विचार बनाए रखें और वीडियो के अंत तक इनको अपने विचारों से मिला के देखें कि कहाँ तक आप सही थे, और अगर आप में कोई त्रुटियाँ आपको लगता है तो वो इसके द्वारा आपको सही संदेश मिल जाएगा। इनके अलावा एक अन्य भूमिका मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के तरफ से अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स के लिए पेड कोर्सेज चाहिए हों तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ये वाला जो नंबर है ये व्हाट्सएप और कॉल के लिए है, और ये वाला जो नंबर है ये टेलीग्राम के लिए है। तो कोई भी दुविधा आपको होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कानून, नियम, विनियम एवं विवेक, और इनके द्वारा जो भी हमें नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं उनके बारे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये बात तो बहुत ही सामान्य है कि हम कभी भी दुविधा में अगर फंसते हैं तो दुविधा से निकलने के लिए अगर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं तो हम किसी साधन का सहारा लेंगे या किसी माध्यम के द्वारा ही हम उस निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। और उस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए अगर हम ये समझते हैं कि हमें अपने अंदर की नैतिकता को भी सुनिश्चित करना ही है, तो उसके तक पहुंचने के लिए हमें दो माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ता है। या तो हम कानून का सहारा लें या तो अपने विवेक का सहारा लें। अगर हम कानून या विधि में से किसी एक का सहारा लेते हैं तो हम इसको बाह्य कारक मानते हैं या बाह्य मानक मानते हैं, और दूसरा अगर विवेक, अपने विवेक की उपस्थिति या फिर अपने विवेक की क्षमता के आधार पर अगर हम अपने आप को नैतिक सुनिश्चित कर ले जाते हैं निष्कर्ष तक पहुँचते पहुँचते, तो हम उसको अभ्यंतर कारक या अभ्यंतर मानक का दर्जा देते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है और कैसे इनको हम थोड़ा चर्चा करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहला, कानून की धारणा को अगर हम समझें तो ये बात बहुत ही सामान्यतः सभी को समझ में आती है कि कानून हमेशा एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। मतलब ये हमें हमेशा मार्गदर्शित ही करेगा। इसके द्वारा लिखे गए सिद्धांत, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, यही सब बताते हैं कि कभी भी कठिन परिश्रम या फिर कठिन परिस्थितियों में हम कानून का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलते हुए हम कैसे निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं या किसी भी दुविधा से ऊपर आ सकते हैं। तो कानून एक, उनके जो भी नियम होते हैं, उनके जो भी कृत्य होते हैं, वो इस हिसाब से होते हैं कि आदमी एक ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है जो अपने आप में नैतिक है, और कानून के माध्यम से ऐसे नियमों का निर्धारण किया जाता है जो न्यायपूर्ण होते हैं और साथ ही साथ इनका पालन भी संभव होता है। तो ये बात, ये दो बातें बिल्कुल सोच और समझ लेने की है कि न्यायपूर्ण होते हैं मतलब कि आप ऐसा कोई भी नियम या कानून ऐसा नहीं देखेंगे जो कि समाज के कल्याण के विपरीत हो। साथ ही साथ आप ऐसा भी कोई कानून नहीं देखेंगे, कोई ऐसी नियमावली नहीं देखेंगे जिसको पालन करना असंभव हो। तो इन दोनों ही बातों का ध्यान रखते हुए हम एक बार देखते हैं कि विनियम और कानून के बीच में क्या अंतर होता है या फिर इनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि विनियम जो है वो कानून बनाने के लिए विस्तृत और जटिल रूपरेखा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि कानून जो है वो किसी भौगोलिक रूप से अपने क्षेत्र में ही सीमित होता है। मतलब कानून जब भी आपके ऊपर लागू होगा तो जायज सी बात है वो आपकी देश सीमा के अंदर ही होगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारत जैसा आप मान लीजिए कि भारत ही है, तो इस भारतवर्ष में जो भी इसके कानून हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी है, वो इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत लग सकता है। इसीलिए ये किसी भी क्षेत्र से बाध्य होता है। लेकिन जबकि हम विनियमन की बात करें तो विनियमन तो व्यक्ति के अंदर होता है ना, और वो किसी भी ऐसे रूपरेखा या तो भौगोलिक रूप को या फिर कोई भी भौगोलिक रूप उसको बाध्य नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण का सहारा लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है 1992 में अमेरिका का चुनाव हो रहा था, और इस टाइम पर राष्ट्रपति के तौर पर
यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे बिल क्लिंटन साहब, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े ही अलग तरीके से चुनाव होते हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उनके पहले भी लोग कुछ और कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं एक बार देखते हैं कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो भी दो राष्ट्रपति बिल्कुल अंत तक पहुँचते हैं वो इम्पोडियम के सामने खड़े होके कुछ स्पीच देते हैं, और इधर भी आमने सामने मतलब एक ऐसा करिए कि वो डिबेट होता है इन लोग के बीच में, दो राष्ट्रपति आपस में डिबेट करते हैं और जो यहाँ पर जनता खड़ी होती है वो जनता भी इनसे और इनसे दोनों से प्रश्न पूछ सकती हैं। तो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और ये दोनों आपस में कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। तो बिल क्लिंटन साहब से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपने कभी कानून तोड़ा है यहाँ अमेरिका में? तो कुछ उनका ये इस हिसाब से घुमा फिरा के उत्तर देना था कि मैंने आज तक अमेरिका का कोई कानून नहीं तोड़ा है। तो फिर इनसे दूसरी बार फिर से पूछा गया उसी व्यक्ति के द्वारा, क्या आपने अपनी देश सीमा के बाहर कोई कानून तोड़ा है? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने कोई भी एक नशीली पदार्थ का सेवन किया था जब ये यूके में पढ़ाई कर रहे थे अपनी, उस टाइम कॉलेज लाइफ में तो कुछ भी करते हैं लोग, तो इसलिए ये हो सकता है कि अमेरिका के ज़मीन पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया होता तो वो कानून को तोड़ना होता, लेकिन चूंकि उन्होंने बाहर जाके ऐसा किया था तो ये कानून का उल्लंघन नहीं था। तो इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है कि कानून जो है वो हमेशा एक भौगोलिक रूप में ही विद्यमान है और उसी के द्वारा लगती है। फिर दूसरी बात अगर करें, दूसरा उदाहरण लें कि आयरलैंड का ये कहानी है और इसमें एक 14 साल की बच्ची होती है, इसके साथ कुछ कुकर्म होते हैं और गर्भपात का मामला होता है, तो एबॉर्शन होता नहीं है क्योंकि एबॉर्शन करना आयरलैंड में प्रतिबंधित है या तो इल्लीगल है। इसीलिए अब 14 साल की बच्ची को क्या किया जाए, और साथ ही साथ फिर इनके माता पिता ने ये सोचा कि आयरलैंड की ज़मीन से बाहर जाके हम जहाँ पर ऐसा कानून ना हो हम ऐसा कुछ करते हैं, अपनी बच्ची को बचाते हैं, लेकिन आयरलैंड ने इसकी अनुमति भी नहीं दी क्योंकि इस हालत में उनका कहना था कि जो भी स्त्री गर्भधारण किए हुए होती है वो अपने देश से बाहर नहीं जा सकती है, ऐसा भी कानून आयरलैंड में था। तो अब इससे बड़ी दुविधा इनके लिए कुछ थी नहीं। फिर कुछ वकील का सहारा लेके कुछ ऐसे केस बना के उन्होंने इस हिसाब से दिखाया इस चीज़ के लिए कि अगर गर्भपात नहीं होता है तो बच्ची जो है वो सुसाइड कर सकती है, उसके जीवन पे खतरा है, तब जाके आयरलैंड के कानून ने इसको गर्भपात के लिए मतलब उसको गर्भपात करने दिया। उनको तब लगा कि ये जो हमारे देश का जैसे हम आर्टिकल 21 बोलते हैं कि राइट टू लाइफ है, तो उस वहाँ पर जो भी होंगे आर्टिकल वगैरह वो तो मुझे नहीं पता है, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि हाँ अब आप गर्भपात करा सकते हैं क्योंकि जीवन जीना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके उपलक्ष्य में। तो कानून जो होते हैं वो थोड़े मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट से होते हैं और साथ ही साथ ये किसी भौगोलिक क्षेत्र से बाध्य भी होते हैं। तो इनके अलावा अगर बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, हम बात करते हैं कानून के प्रकार की। तो कानून के प्रकार में सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक विधान, दूसरा है सकारात्मक विधान। प्राकृतिक विधान क्या होता है? हम अपने आप में जब अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं तो हम विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसमें हमारे प्राकृतिक विधान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मानव जीवन जो है वो संरक्षण पर आधारित होता है और ये जो प्राकृतिक कानून है ये अपरिवर्तनीय है। मतलब है इसका कि हम मतलब कि ये बदल नहीं सकता है, आपके लिए मेरे लिए या इस लेक्चर को देखते हुए कोई भी इंसान हो या इस पृथ्वी का कोई भी इंसान हो, उसके लिए वो प्राकृतिक विधान हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे हमारे और आपके लिए है। अब ये बात कैसे कह सकता हूँ मैं, जैसे कि किसी को दंड देना या फिर किसी की जान ले लेना प्राकृतिक विधान के हिसाब से गलत है। तो अब ये जो सोच है ये मेरे और आप तक सीमित नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि आप यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि ऐसे तो बहुत बड़े बड़े खूनी होते हैं जो कि किसी की भी जान ले लेते हैं, इवन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो उनका अपना एक उद्देश्य है, उनका अपना एक विचारधारा है, अगर उस विचारधारा पे हम जाते हैं तो हम कुछ और कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सामान्य इंसानों की बात करें मेरे और आप जैसे जो कि एक सामान्य जीवन जीते हैं, उन सभी के लिए किसी की जान लेना प्राकृतिक विधान के विपरीत है।
तो इसीलिए ये कुछ ऐसे अपरिवर्तनीय मतलब कि विधान होते हैं। अब इनका क्या बोलते हैं ओरिजिन कैसे कहाँ पे होता है, तो हम बचपन से इन सारी चीज़ों को सीखते हैं और अपने परिवारजन से या तो अपने स्कूल की शिक्षा से, अपने दोस्तों से या फिर अपने बड़ों से, अपने रिश्ते नातेदार से, बहुत जगहों से ऐसे प्राकृतिक विधान को अपने अंदर लेके आते हैं और उसी के आधार पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये हमेशा एक बात का ध्यान रहे कि प्राकृतिक विधान जो भी होगा ये हमेशा नैतिकता पर आधारित होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मनुष्य अपने आप में नैतिक होता है हमेशा। आप ये समझिए कि ये जो खूनी है, अगर ये किसी का खून करता है तो इसे भी अगर आप कुछ सवाल करेंगे तो ये भी अपने आप में नैतिक ही होगा। इसको कुछ ना कुछ रीज़न पता होगा कि हम अपने धर्म के लिए या तो हम अपने लोगों के लिए हम उसकी जान ले रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ दंगे फसाद किए थे, हमारे लोगों की जान ली थी, तो हम उनकी भी जान ले रहे हैं। कुछ ना कुछ करके आपको इनसे, इनके तरफ से संतुष्ट आंसर मिल जाएगा। उससे आप संतुष्ट होते हैं कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन इनके मन में वो नैतिकता की भावना इनके तरफ से तो है ही है कि हम किसी की जान अगर ले भी रहे हैं या किसी को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण इनके पास ज़रूर होगा और उसके हिसाब से ये सही कार्य करते रहते हैं। मतलब वही करना इनके लिए सबसे सही काम है, इसीलिए ये काम ये कर रहे हैं। तो ये इंसान अपने अंदर के विवेक के आधार पर नैतिक ही कार्य करता है। तो प्राकृतिक विधान जो होता है, ये प्राकृतिक विधान हमेशा नैतिकता पर ही आधारित होता है। दूसरा जो विधान है उसको हम लोग सकारात्मक विधान बोलते हैं। सकारात्मक विधान जो होता है वो एक ऐसा कानून है जो कि स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर होता है और कुछ बाह्य संकेतों द्वारा घोषित किया जाता है। हम इसको पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये अब इसका जो एक उदाहरण है वो नागरिक विधान है और ये प्राकृतिक विधान पर आधारित होते हैं। जैसे कि कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कि सकारात्मक विधान जो है वो प्राकृतिक विधान से ही लिए हुए होता है, जैसे कि झूठ ना बोलना या फिर किसी को हानि ना पहुंचाना या फिर चोरी ना करना। ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे प्राकृतिक विधान में भी हमको बचपन से ही सिखाई जाती हैं। तो इसीलिए सकारात्मक विधान जो है ये भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधान पर ही आधारित होते हैं। अगर इनका उदाहरण स्वरूप हम नागरिक विधान की बात करें तो नागरिक विधान में हम ये बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का सकारात्मक विधान है और यह ऐसा कानून बनाता है जो कि कोई भी विधिकार होता है वो स्वतंत्र रूप से अधिनियमित एवं प्रख्यापित करता है। मतलब कि अगर ऐसा कोई नागरिक विधान है जो कि आज तक प्रख्यापित नहीं किया गया है तो वो कानून नहीं बन पाएगा, वो नागरिक विधान नहीं बन पाएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति हर बिल पे अपना एसेंट देता है ना, तभी तो जाके वो बिल एक्ट में बदलता है। एक्ट क्या है? एक तरीके का नागरिक विधान है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई विधिकार होगा जो स्वतंत्र रूप से अधिनियमित करेगा। मतलब कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर में जो लेजिस्लेचर होता है वो पूरा काम करता है, तो ये लेजिस्लेचर स्वतंत्र रूप से इस विधि को बनाएगा और साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होगा जो इसको प्रख्यापित करेगा, हमारे देश में वो राष्ट्रपति होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृतिक, सकारात्मक एवं नागरिक कानून, जो तीनों की बात की हैं, इनके प्रभाव कैसे होते हैं, तो प्रभाव के तौर पर सबसे पहला प्राकृतिक कानून या विधान की बात करें तो मनुष्य पर इनका दो प्रभाव पड़ता है। पहला ये कि ये हमें अपने अच्छे गुणों से अवगत कराते हैं, साथ ही साथ हमें ये बुराइयों से बचाते हैं और ये बताते हैं कि जो भी हमारे अंदर अच्छे गुण हैं उनको अपनाने से या फिर उनको अपनाना ही हमारा नैतिक दायित्व है, इसका भी परिचय ये देते हैं। मतलब कि बचपन से ही हमको ये क्यों सिखाया जाता है कि बेटा आपको चोरी नहीं करनी है, क्योंकि बचपन में तो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो कुछ भी लुभावन जैसी चीज़ें हों, अगर कुछ ऐसी कोई पेंसिल हो जिसमें कुछ स्टिकर्स लगे हों तो वो उनको चोरी करने का मन करता है, या फिर उनको चोरी करने का मन नहीं करता, उनको लगता है कि वो उनके पास भी होना चाहिए। अब उसके लिए अगर घर परिवार वाले उनको नहीं समझाते कि बेटा चोरी करना गलत बात है तो वो पेन चुरा भी सकते हैं। ऐसे ही हम अच्छे गुणों से अवगत होते जाते हैं हमारे प्राकृतिक कानून और विधान के आधार पर। साथ ही साथ आप ये समझिए कि अगर ऐसा कोई भी प्राकृतिक कानून है या फिर ऐसा कोई भी कानून है, सभी कानून के ऊपर ये लागू होता है, कानून है तो आप ऐसा समझिए कि अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमको पुरस्कृत किया जाएगा और अगर हम उससे अवज्ञा करने की कोशिश करेंगे तो हमें दंड भी मिलेगा। तो पालन करने के आधार पे आप ऐसा समझिए कि अगर आप बचपन से ही बहुत ही ऑनेस्ट हैं और आप
ईमानदार ईमानदारी से कभी अपने सारे कार्य को करते आए हैं, तो आप ये समझिए कि आपका समाज में जो एक इमेज बनता है वो इस हिसाब से होगा कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और उसके लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार हो सकता है डायरेक्टली ना मिले तो इनडायरेक्टली तो मिलते ही रहते हैं। साथ ही साथ अवज्ञा अगर करने पर, अगर आपने कोई दंड किया है किसी महिला से के साथ छेड़छाड़ की है या तो कुछ ऐसे घिनौनी हरकत की है, तो उसके लिए समाज भी आपको दंड देता है। तो ये समाज जो दंड देता है वो किसके आधार पर देता है? वो देता है प्राकृतिक कानून और विधान के आधार पर। फिर है सकारात्मक कानून या विधान। इसका प्रभाव ऐसा बोल सकते हैं कि हम ये एक तरीके का प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होता है और उन्हें ही स्पष्ट करता है, जिस तरीके से हमने अभी उदाहरण के तौर पर भी देखा था कि नैतिक दायित्व इस धारणा पर टिका है कि सकारात्मक कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसा समझिए कि हम समाज वाले ही तो किसी सकारात्मक कानून को या फिर किसी विधान को हम बनाते हैं। तो नागरिक कानून को भी अगर बनाने की बात होती है तो उसको बनाता कौन है? हम आप जैसे लोग ही बनाते हैं, मतलब मनुष्य ही बनाता है। और मनुष्य पहले से ही किसके द्वारा संचालित होता है? वो संचालित होता है ऐसे ही प्राकृतिक कानून के आधार पर। तो आप ये समझिए कि जो भी नागरिक कानून बनेगा या तो ऐसा कोई भी कानून बनता है तो वो हमेशा हमारे प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होगा। नागरिक कानून या विधान की बात करें तो इसमें भी पालन करना मतलब ऐसे ही इसी धारणा पर टिका हुआ है। और आप ये कह सकते हैं कि जब भी नागरिक कानून होता है ना, तो वहाँ पर एक सरकार होती है जो कि उस कानून को लागू करती है। मतलब कि कानून प्राकृतिक कानून के विपरीत नहीं है ऐसा सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि अगर उसके विपरीत होगा तो कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा विपरीत नहीं हो सकता, कभी कभी विपरीत भी होता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि धर्म के आधार पर अगर बात करें तो इस टाइम इस्लाम धर्म में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए जब ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मतलब जो भी उन्होंने याचिका दायर की थी उसके हिसाब से जो भी उनका निर्णय था उसके विपरीत जाके मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले बात कर रहे थे। ये हालांकि मनुष्य की बात की जाए तो उसके ही जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसका हनन होता है, लेकिन इनके खिलाफ हैं ये। मतलब जो भी हमारी प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि क्या है? सबसे सामान्यतः प्राकृतिक विधि क्या है कि हमें खुश रहना है। सबसे सामान्य और सबसे बेसिक आप इसको बोल सकते हो, जो सब चीज़ का बेस बनाती है कि क्या वो हमें खुशियाँ प्रदान करें। तो जब भी हम सुख का अनुभव करते हैं तो आप समझिए कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा नागरिक विधान है। सॉरी, नागरिक विधान नहीं, मतलब ये प्राकृतिक विधान है। तो दूसरी बात ये कि इसका पालन करना भी होता है, और कभी कभी नागरिक कानून मतलब प्राकृतिक विधान का पालन नहीं करते हैं। दूसरी बात कि ये व्यापक होते हैं क्योंकि ये पूरे देश की सीमा के अंदर हर जगह लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे देश में आप कह सकते हैं भाईचारा का एक प्रावधान बनेगा, क्योंकि हमारा भारतवर्ष इतनी विभिन्नताएं और इतने ही प्रतिरूप से अलग अलग परिस्थितियों से गुजर के अलग अलग रंगों में ढला हुआ है कि वो एक साथ अगर हम उनका समागम करना चाहें ना तो बड़ी ही दुविधाएं हमारे सामने प्रकट होंगी। तो ऐसे कुछ ही आधार हैं जिनके बेसिस पर हम ये बात बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है वो एक है। उनमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कानून ही होता है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष पे एक समान तरीके से लगता है। फिर बात करें अगर हम विवेक की, तो विवेक को कैसे बोलेंगे आप, परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो आम तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका विवेक है वो आपके अंदर की आवाज़ है, या तो आपकी आंतरिक आवाज़ है, और जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर वो निर्धारित करता है कि ये सही है या गलत है, और इसके होने के लिए जो भी मार्गदर्शन प्रदान करता है अंदर से, जो आंतरिक आवाज़ आती है आपको कि हाँ ये बातें सही हैं आप इस मार्ग पे चलिए, तो वही आपका विवेक होता है। अगर अच्छी तरह से गठित विवेक के लिए बात की जाए तो वहाँ पर ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी ज्ञान हम हासिल करते हैं या तो अपने बचपन से अभी तक सीखते आए हैं उसी के आधार पर हमारा विवेक भी आगे बढ़ता है, और वो हमें अच्छे तरीके से सही और गलत के बीच में फ़र्क समझा सकता है। धर्मशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बात करें तो विवेक एक ऐसा निर्णय है या फिर एक ऐसा बौद्धिक निर्णय है जो सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह अतीत में घटित घटना के नैतिक आधार पर एक महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय है जो भविष्य में हमें उचित मार्ग के लिए प्रेरित करता है, या फिर उचित मार्ग को पाने के लिए प्रेरित करता है। अगर धर्मशास्त्री बात माने, धर्मशास्त्र क्या कहता है? धर्मशास्त्र कहता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो अभी के हिसाब से अगर सही है तो वो सही है,
हमें ये नहीं देखना है कि उसका अंत क्या होना है, हमें हमेशा जो भी कार्य करना है वो इस हिसाब से करना है कि वो अभी के सिचुएशन के हिसाब से, अभी के वातावरण के हिसाब से वो बिल्कुल सही हो। तो इसीलिए धर्मशास्त्र विवेक को एक बौद्धिक निर्णय के रूप में देखता है और ये बोलता है कि ये इस हिसाब से बनता है कि जितना भी हमने अतीत में निर्णय लिए हैं उन सभी का समागम अगर हम आज की परिस्थिति के अनुसार देखना चाहें तो हमारा विवेक हमेशा सही कार्य करने के लिए उसी दिशा में हमें मार्गदर्शित करेगा। तो ये धर्मशास्त्र के हिसाब से हो गया। अगर कानून के हिसाब से देखें विवेक क्या है, तो कानून सामान्य नियमों की क्रियाओं के विषय में बताता है, जबकि विवेक विशिष्ट कार्य के लिए व्यवहारिक नियम रखता है। देखिए कानून और विवेक में अगर अंतर की बात देख रहे हैं यहाँ पे, तो कानून क्या है, कानून तो एक बाह्य कारक है और बाह्य कारक हमें कैसे मार्गदर्शित कर सकता है, उसके कुछ नियम कानून होंगे, उसमें कुछ बातें लिखी गई होंगी किसी के द्वारा लिखी गई होंगी जिसके पास इतना पावर है, शक्ति है कि वो उसको लिख सके और बाकी लोग भी उसको मान सकें, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो वो कानून हो जाएगा, वो बाह्य कारक में आएगा और वो हमेशा दिशा निर्देशित उस हिसाब से करता है। लेकिन जब विवेक की बात करेंगे तो विवेक तो हमारे आंतरिक आवाज़ की बात करता है, क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए ये हमारे व्यवहारिक नियम के लिए कार्य करता है। दूसरा, अगर दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुसार बात करें, या तो जिनको हम लोग अंग्रेजी में टीलियोलॉजी बोलते हैं, तो टीलियोलॉजी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि विवेक जो है वो अहंकार की पहचान को पूरा करने को समान है, जिससे प्रत्येक अहंकार कुछ अर्थों में एक आचार संहित है। विवेक अंतरात्मा के प्रकार की बात करें अगर, तो अंतरात्मा की ही बात कर रहे थे, विवेक की बात या अंतरात्मा जो भी आप बोल लें इनको, तो पहला तो होता है वास्तविक विवेक, मतलब कि ये एक तरीके का ऐसा विवेक का प्रकार है जो आम तौर पर पहले से किए गए कार्य का सही निर्णय करता है। मतलब आपके पास कोई पहले से ही निर्धारित कोई कार्य है और उस पर आपने सोच विचार करके आपने बिल्कुल उस टाइम पर, सॉरी सोच विचार नहीं करना यहाँ पे, मैं ये बता रहा था, मैं वो निश्चित विवेक बताने लगा। वास्तविक विवेक ऐसा होता है कि आप किसी परिस्थिति में पड़ते हैं और आप अचानक से कोई निर्णय ले लेते हैं, तो वो जो निर्णय होता है वो आपके वास्तविक विवेक से होता है। वो वास्तविक विवेक कहाँ से आता है, वो आम तौर पर आज तक आपने जितने भी निर्णय लिए होंगे उन पर आधारित होगा, और तुरंत ही आपने बिना कुछ सोचे समझे अगर कोई भी निर्णय लिया है तो वो आपके वास्तविक विवेक का प्रकार होगा। निश्चित विवेक क्या होता है, ये ऐसा विवेक है जिसमें मन पूरी तरह से निश्चित होता है कौन सा मुद्दा नैतिक रूप से सही है या गलत है, मतलब आप इसमें पूरे अच्छे तरीके से सोच या विचार विमर्श करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचते हैं और बिल्कुल श्योर होके आप इस बात को, बिल्कुल निश्चित होके इस बात को बताते हैं कि हाँ यही सही है और यही गलत है। तो इस हिसाब से जब कोई भी कार्य या विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम निश्चित विवेक बोलते हैं। तीसरा है शंकालु विवेक, ये एक प्रकार की ऐसी मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ यह तय कर पाना कि कार्य अच्छा है या बुरा, ये थोड़ा सा दुविधाजनक हो जाता है, मतलब कि कन्फ्यूजन होती है हमको एक तरीके से। फिर एक होता है संभावित विवेक, ये विवेक तब होता है जब कोई भी निर्णय लेने के समय में त्रुटि या विवेकपूर्ण भय से हम कोई भी कार्य करते हैं और उस टाइम पे अगर हम अपना विवेक को इस्तेमाल करके कुछ भी निर्णय तक पहुंचते हैं तो इस भय के चलते क्या होता है कि इतना जो हम सुनिश्चित तौर पे बता सकते थे पहले कि निश्चित विवेक के तौर पे कि हाँ ये बात जो हमने अभी निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल गलत है, वो डगमगा जाता है और इसीलिए इसको हम लोग संभावित विवेक बोलते हैं। उत्तरदायित्व एवं नैतिक शासन क्या होता है, उत्तरदायित्व का आपने परिभाषा देख लिया होगा अपने मन में शुरुआत में, मैं बताता हूँ। उत्तरदायित्व आप ऐसा समझिए कि इनके दो पहलू हैं, जवाबदेही और प्रवर्तन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले उत्तरदायित्व जो है सुशासन के लिए अति आवश्यक है। अगर आप सरकारी अधिकारी या सरकारी अफसर बनते हैं और आपके अंदर उत्तरदायित्व की भावना नहीं है तो आप अपने कार्यों को सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे कभी भी। साथ ही साथ उत्तरदायित्व की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और यह बात को सुनिश्चित करता है कि जो भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए उसका आप प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। मतलब उत्तरदायित्व जो है इसकी धारणा सरकार में विश्वास पैदा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि समाज के प्रति, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो समाज के प्रति सही कार्य कर रहे होंगे या फिर उनके सेवा में कार्य कर रहे होंगे। तो ये बात हो गई उत्तरदायित्व की। उत्तरदायित्व को जैसे मैंने बताया कि इसके दो पहलू होते हैं, मतलब दो अवधारणाएं हैं, दो चरणों में वर्गीकृत कर सकते हैं हम इनको। सबसे पहले जवाबदेही है। जवाबदेही अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी उत्तरदायित्व हो ही नहीं सकते।
क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस बात का कौन, मतलब कि बेसिकली अगर आपने कोई कार्य किया, या फिर आप समझिए कि आप किसी चीज़ को हेड कर रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारे एक्स वाई जेड लोग काम कर रहे हैं, तो अब सभी लोगों ने कोई कार्य ऐसा किया है जिसमें कुछ त्रुटियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन अगर आप जवाबदेही तय नहीं करते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड में से किसकी गलती है, तो आप कभी भी उत्तरदायित्व नहीं बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है। दूसरा है प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब है कि उत्तरदायित्व का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों एवं समुदाय के उनके व्यवहार और उनकी इकाई के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए है, जिससे वे अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। मानिए कि आप सरकारी अफसर हैं, आपके पास कुछ अधिकार तो होंगे ही, अब उस अधिकार के चलते आपके आप उत्तरदायित्व अपना किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं इस हिसाब से कि जो भी पीड़ित इंसान है आप उसके लिए कोई कार्य करिए, या तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी आप जिस उद्देश्य से आपको सेलेक्ट किया गया है आपके पदवी पे, आप उस कार्य को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण रूप से उसको उसके अंत तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दो बातें होंगी जवाबदेही और प्रवर्तन की। फिर बात करते हैं सरकार बनाम शासन। तो इसके बारे में भी हमने शुरू में ही बात किया था, बहुत ही आसान सा है। सरकार, देखिए, सरकार ऐसे लोगों का एक समूह है जो कि कानून बनाते हैं और कानून और व्यवस्था की स्थिति में बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून वो बनाते रहते हैं और लोगों की शिकायतों को भी देखते हैं। साथ ही साथ शासन की बात की जाए तो शासन का तात्पर्य हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी सरकार शासन कर रही है वो जिन नियमों के प्रति अपने कार्य को पूरा करती है या पूरा बनाती है वही शासन है। मतलब कि हम दो बातें लिखते हैं, देखिए आर्टिकल 262 की बात करें अगर, या 263 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 263 में आप समझिए कि अगर पानी के बीच में कोई विवाद होता है तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास यह पावर होता है कि वो एक ट्राइब्यूनल का गठन करे, ठीक है। तो सरकार ये जो काम कर रही है, मतलब ये कौन बोल रहा है कि ट्राइब्यूनल गठन करे, ये वो इंसान है जो कि ऐसे कानूनों की व्यवस्था को देखते हैं। मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं ये तीन व्यक्ति, ये सरकार हैं पूरे सामूहिक तौर पर। और ये जो ट्राइब्यूनल का गठन हुआ है और इसके द्वारा किया गया जो भी कार्य है, या फिर ट्राइब्यूनल का गठन करना ही शासन है। तो ये दो अंतर हैं सरकार और शासन के बीच में। अब सुशासन की बात करें तो उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो मानवाधिकार का सम्मान हमेशा करेगी। दूसरा, वो प्रभावपूर्ण सहभागिता को भी सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर आपको सुशासन करना है और सुशासन करते टाइम पे आप ये समझिए कि आपने, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि एक ऐसा ट्राइबल एरिया है जहाँ पर आपको कुछ वहाँ पे उग रहे पेड़ पौधे से कुछ सामान मिले हुए हैं और उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर एक फैक्ट्री बनानी है। अगर अब आपने इन यहाँ रह रहे इंसानों से या व्यक्तियों से बातें नहीं की हैं तो आपका ये जो भी फैक्ट्री होगा ये कभी भी इनको खुश नहीं रख पाएगा। साथ ही साथ आपके द्वारा ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जो कि केवल यही व्यक्ति विशेष आपको बता सकते थे, वो भी आपके आप उनसे वंचित रह गए। फिर इनके विस्थापन की बात होगी। मतलब पूरी तरीके से देखा जाए, अगर आपने इनकी सहभागिता को इंश्योर नहीं किया है तो ये प्रभावपूर्ण तरीके से आप सुशासन कर ही नहीं सकते। फिर तीसरा बात है कि बहुआयामी साझेदारी, इसी की बात करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होंगे सबको उनका उनका हिस्सा सरकार की तरफ से देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वी कौन है, वी हम सब हैं। तो अल्टीमेट पावर की बात की जाए, अल्टीमेट शक्ति की बात की जाए तो किन के हाथों में है, वो हमारे हाथों में। अब ये बात अलग है कि ये शक्ति 5 साल में एक ही बार समझ में आती है, लेकिन हमारे पास अल्टीमेट पावर किसके पास है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे ही व्यक्तियों के, मतलब जो सिटीज़न हैं भारतवर्ष के उन्हीं के पास में है। चौथा है पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रक्रिया एवं समस्याएं। तो सुशासन की विशेषता में आएगा पारदर्शिता बढ़ेगी, जैसी बात है उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा आपका, क्योंकि अगर आपको सुशासन करना है, सुशासन के तौर पे क्या बोला मैंने कि सहभागिता आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आप सभी के मानवाधिकार का सम्मान भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भी कार्य में आप संलग्न होंगे आप उसमें पारदर्शिता भी बनाए रखेंगे और साथ ही साथ अपने उत्तरदायित्व की भी बात करेंगे, या फिर जिनकी गलतियाँ होंगी बाद में उसके प्रति लोगों या किसी आपके कम्युनिटी या समूह जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसी के लिए तो आप सुशासन कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि आप पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों को बनाए रखेंगे। मूल्य एवं दृष्टिकोण जो जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं, तो जाहिर सी बात है मूल्य और दृष्टिकोण भी बढ़ेंगे और एकजुटता एवं सहिष्णुता की भावना भी आगे बढ़ेगी। नैतिक शासन की बात करते हैं। नैतिक शासन का क्या अर्थ होता है? अगर कोई सरकारी अधिकारी है, उसके अंदर बहुत सारे नैतिक मूल्य पहले से ही हैं और उसको पहचानते हुए वो अपने आचरण में इन सभी को संलग्न करता है और उन्हीं के आधार पर उनका अनुसरण करते हुए समाज या देश की सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसे शासन जो इस व्यक्ति ने किया है, इस सरकारी अधिकारी ने किया है, उसी को हम लोग नैतिक शासन बोलते हैं, जिसमें उसका नैतिक आचरण होना सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। साथ ही साथ ये पारदर्शिता एवं अटूट नैतिकता को भी बनाए रखेगा और ऐसे ही करके अगर नैतिक शासन आप करते हैं तब भी लोगों का विश्वास आप अर्जित कर सकते हैं। और इससे जो साझेदारी की बात हो रही थी या फिर हम बात कर रहे थे प्रभावपूर्ण सहभागिता की, ये दोनों बात और मजबूत हो जाएंगे। नैतिक शासन के मापदंड की बात की जाए अगर, सबसे पहला कि हम किन आधारों पर बात कर सकते हैं कि नैतिक शासन कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले उत्तरदायित्व, अगर आपने अच्छा उत्तरदायित्व बनाया है कि गलतियाँ जिनकी हैं उनके उनका दंड मिला है तो उतना नैतिक शासन अच्छा होगा। दूसरा राजनीति अस्थिरता एवं हिंसा का अभाव, तो हिंसा जितनी कम होगी, जैसे गांधी जी की भी बात करें तो उनका अहिंसा का सिद्धांत हमेशा इसी ओर इशारा करता था कि हमें हमेशा नैतिक होना है, मतलब हमें अपने व्यवहार में नैतिकता का संचार करना है। तो इस संचार के अभाव से हिंसा बढ़ेगी। अगर हिंसा बढ़ती है तो आप ये बोल सकते हो कि नैतिक शासन जो है वो सही कार्य नहीं कर रहा है। सरकार की प्रभावशीलता, तो सरकार कितना प्रभावी तरीके से लोगों के परेशानियों को सुनता है, समझता है और उनके प्रति कार्य करता है, ये भी नैतिक शासन के मानदंड में आएगा। दूसरा कानून के नियम, कानून के नियम इतने कठिन और इतने उलझे हुए ना हो कि किसी आम इंसान को समझ में ना आए, साथ ही साथ इतने सरल भी ना हो कि उनको कोई भी तोड़ सके। तो एक मिडिल पाथ अपनाते हुए आप इस बात को कह सकते हो कि कानून का नियम जितना सहज होगा, जितना सरल होगा और जितना ईमानदार होगा, नैतिक शासन उतना ही बढ़िया होगा। बात करें अगर सहिष्णुता की, तो सहिष्णुता भी आप इसी हिसाब से देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा सहिष्णुता हमारे समाज में दिखेगी उतना नैतिक शासन होगा। भ्रष्टाचार का अभाव है, अगर वादे पे वादे किए जाते हैं और कोई भी कार्य नहीं होता है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मतलब अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है और कुछ भी बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम नैतिक शासन को बोलेंगे कि बुरी स्थिति में है। रिश्वत का अभाव, जैसी बात है अगर नैतिक शासन करना है तो रिश्वत जैसे सबसे बड़े ये जो परेशानी के जड़ होते हैं इनको उखाड़ के फेंक देना है। तो रिश्वत का जितना ज़्यादा अभाव होगा उतना बढ़िया नैतिक शासन आप देख सकेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही था, आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी दिक्कत इन पूरे लेक्चर से आपको समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर लिख के बताएं, और जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर आप भी उत्तर नीचे ज़रूर से लिखें। चलिए, ऑल द बेस्ट है सबको। इतना धैर्यतापूर्वक इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।